चीन एलएसी पर भारत के खिलाफ कोई न कोई साजिश करने में लगा रहता है, लेकिन भारत उसकी हर साजिशों को नाकाम कर देता है। वहीं इस बीच चीन के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना की नापाक हरकतों को देखते हुए अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार करने का ऐलान किया है, जिसके बाद भारतीय सेना पलक झपकते ही चीनी सैनिकों को उसी हाल में पहुंचा देगा जैसे गलवान में किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए हिमाचल सरकार से जमीन तलाशने को कहा है, ताकि भारतीय सेना को मदद मिल सके और चीन की हरकतों पर पाबंदी लग सके। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द जमीन ढूंढकर उसका सर्वे करेगा। इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की अच्छी बात यह है कि सामान्य समय में नागरिक उड्डयन और युद्ध जैसे हालात में सेना इसका उपयोग कर सकेगी। वहीं इस बात की जानकारी डीजीपी संजय कुंडू ने दिया है और कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए हिमाचल सरकार को जमीन तलाशने को बोल दिया है। बता दें कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले की लगभग 240 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा चीन के साथ लगती है। वहीं भारत यह भी जानता है कि चीन पाकिस्तान की तरह कभी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले गलवान में चीन के साथ हुई भारतीय सेना की भिड़ंत के बाद चीनी एयरफोर्स ने लाहौल स्पीति के 8 किलोमीटर के अंदर तक उड़ान भरने का दुस्साहस किया था। और चीन के इस हरकत के बाद हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस इलाके की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए डीजीपी संजय कुंडू को पुलिस अधिकारियों की एक टीम भेजने को कहा था, जिसके बाद सरकार द्वारा तत्काल अधिकारियों की टीम इस इलाके में भेजी गई, जिन्होंने स्थानीय लोगों, खुफिया एजेंसियों और जिला प्रशासन के फीडबैक लेकर राज्यपाल को सौंप दी। और इसी छानबीन में बताया गया कि एडवांस पोस्ट के इलाके में ऐसी आपात स्थिति में सेना के उतरने के लिए व्यवस्था तक नहीं थी। हालांकि भारत ने कई बार चीन को यह बात समझाई है कि उसे भारत की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन चीन जब जब इस बात को भूला है, तब तब भारत ने उसे बखूबी याद दिलाया है। D3 न्यूज़।